सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। और मैं नहा धोकर रेडी हूँ। मनु भी, मनु नहाया नहीं है, मनु सिर्फ जस्ट मुंह हाथ धो के जा रहा है ब्रश करके। और हम जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं? मैंने जल्दी चलो यार, सरप्राइज है वो। सरप्राइज है, सब समझते हैं कहाँ जा रहे हैं दिवाली के बाद। ऑब्वियस है यार, भाई दूज पे जा रहे हैं, भाई दूज के लिए जा रहे हैं भाई के घर। इसका मुंह देखो, इतना एक्साइटेड होता है रात को 12 बजे तक इसको नींद नहीं आई। सुबह एक आवाज में लड़का उठ गया, मैंने कहा चल 2 घंटे बाद चलेंगे, चलो 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 चलो, मैं नहाऊंगा वहीं जाके नहाऊंगा। फटाफट रेडी हो गया, मैं नहाने गई और मैं बाहर आई तो ये रेडी था। चले, इसके पापा गाड़ी साफ कर रहे हैं और वो हमें बस स्टैंड तक दो तीन छोड़ दिन से देंगे। बैठ ले लेंगे। भाई अभी नहीं मिलेंगे वहां से, अभी यही खाई हो 2 घंटे में बहुत जगह। पकड़ इसको, घंटे मेरे पर्स में डाल दे। ढाई घंटे गाड़ी चलते हैं दिल्ली जाने में। तो मेहुल को ये देखो, यहाँ पर कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, भाग के गया गाड़ी में। और यहाँ पर हम निकल चुके हैं बस स्टैंड के लिए। 5:15 बजे है अभी और 5:30 बजे का बस का टाइम है बस स्टैंड पे आने का। तो जैसे ही हम बस स्टैंड पे पहुंचे तो हमें पहले तो ऐसा लगा कि बस निकल चुकी है, लेकिन बहुत पूछने के बाद पता चला कि बस बस आने ही वाली है, क्योंकि 5:30 तो बज चुके थे और यहाँ पर आते आते शायद 5:45 बज जाती है। तो 15 मिनट वेट करने के बाद बस हमें मिल गई और थैंक गॉड कि हमें सीधी बस मिली है। और सीधी बस क्या मतलब, पानीपत से गुड़गांव की सीधी बस हमने ले ली, ये कहीं भी नहीं रुकती। लेकिन हमारे साथ आज कुछ उल्टा ही हो गया था। तो पहले तो स्ट्राइक आ गई, यानी कि फ्लाइंग आ गई, और जहाँ पर टिकट चेकिंग हुई यहाँ पर आधा घंटा वेस्ट हो गया। और फिर जैसे ही थोड़ी देर आगे गए दिल्ली में, तो दिल्ली में टायर पंचर हो गया बस का। तो वहाँ पर पंचर लगवाने के लिए बस रुकी रही आधा घंटा और हम 1 घंटा लेट हो गए। अदरवाइज हम सुबह वाली बस इसलिए पकड़ते हैं ताकि हम 2 घंटे में पानीपत से गुड़गांव पहुंच जाएं। लेकिन आज हमारे साथ सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा था। तो बस जब पंचर लगवा कर चली तो फिर मुझे नींद बहुत जोर से आ रही थी, लेकिन बच्चा साथ में था तो सो नहीं सकती थी। लेकिन किसी ना किसी तरह बीच बीच में झपकी लेते रहे पहुंच गए हम गुड़गांव। तो जैसे ही गुड़गांव पहुंचे तो वहां पर भाई पहले से हमारा वेट कर रहा था। उसको पहले से हमने फोन कर दिया था कि हमारे यहाँ, और फटाफट से हमें लेने के लिए आ जाए, हम वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पारो भी साथ में आई थी और पारो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी ना हमें देख के, बस पूछो ही मत। सो हम पहुंच चुके हैं भाई के घर और पारो भी आई थी हमें लेने के लिए, है ना पारो? तरफ है लिफ्ट, हम लिफ्ट में एंटर कर रहे हैं। आपने कभी लिफ्ट देखी नहीं होगी, देखो लिफ्ट कैसी। बकवास करेगा, हमेशा मेरे व्लॉगिंग का मजाक उड़ाता रहता है। बोलेगी हम लिफ्ट में जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं कह रही, मैं लिफ्ट में जा रही हूँ, अब समझ जाना। मेट्रो है, मामी नहीं आई हुआ। बस 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 पाँव छूने लग जाती है। इसी को शौक था मामू घर आने का, तो मजदूरी इसी से ना कराएंगे। ये लो, हम तुम्हारे घर सोहन पापड़ी का डब्बा लेके आए हैं। ये लो, तुम्हें मना किया था ना हमने वीडियो में कि सोन पापड़ी नहीं भेजनी। हम लेके आए हैं। तो जैसे ही मैं मायके आई तो थोड़ी देर बाद ही भाभी के भाई भी आ गए भैया दूज का तिलक लगवाने के लिए। वैसे तो त्योहार कल का है, लेकिन कोई कल सेलिब्रेट कर रहा है, कोई आज भी सेलिब्रेट कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये लोग बोलेंगे चलो हम आज ही आते हैं, हमारी आज छुट्टी है तो हम आज ही सेलिब्रेट करते हैं। तो भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, भाभी अभी 15 दिन अभी मायके से रह के आई। तो भाभी बोली मैं नहीं जा रही हूँ, तो मेरे भाई आ रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा ठीक लगे। तो तीनों भाई आ गए और बारी बारी से तीनों ने अपना तिलक करवाया, मिठाई खाई। और फिर बड़े वाले भैया तो चले गए थे, छोटे वाले भाई थोड़ी देर रुके। पारो इतनी खुश हो गई अपने मामा को देख के, बस पूछो ही मत, ये सबको देख के ना बहुत खुश होती है। फिर चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैंने पारो के साथ मस्ती की, और यहाँ पर मेड आंटी काम करके चली गई थी। तो मैं सोच रही थी कि आज पारो को मैं नहला देती हूँ, लेकिन ये नहाने से पहले ही सो गई। तो ये हमारी पारो सोई हुई है कब से, और इसके बिना ना दिल ही नहीं लग रहा घर पे, मतलब ऐसे हो जाता है कि शांति आ गई। और वैसे तो दूसरा तहलका भी आया हुआ है यहाँ पे, और वो बना रहा है मैगी। तुम्हारी मैगी नहीं बनी अभी तक? यहाँ पे आगे ना मन्नू को छूट मिल जाती है, क्योंकि घर पे तो किचन में मैं इसको ज्यादा घुसने नहीं देती। यहाँ पे मामी को, मामी की सुनता नहीं है ये। दोनों मामी और भांजा एक जैसे लगते हैं। मेरे साथ भी नापता रहता है ये रोज ही, मम्मा मैं आपके जितना हो गया, आपके जितना हो गया। मास्टर शेफ रेसिपी बताएंगे? या मेहुल बना रहा है मैगी। किस किस के लिए है, किस किस के लिए है? एक और पैक ला दो आपके लिए, मैं रखता हूँ। ओए इसमें से नहीं मिलेगी मेरे को? मिलेगी, थोड़ी सी दे दो बस टेस्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर हमारी मैगी बनकर तैयार है, सूप वाली बनाई है। हाँ। तरीके सुबह मेहुल ने बनाई है मैगी, और अब इसका टेस्ट लेता ना। मैंने थोड़ी सी लिया है क्योंकि ज्यादा खाने का मन था नहीं, नाश्ता तो कर लिया। और यहाँ पे आगे ना सोच के तो बहुत कुछ आती हूँ कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, तो यहाँ पे आकर इतना आलस चढ़ता है ना कि बस सोए रहो, बेड पे पड़े रहो, कोई काम ना करो।
पता नहीं ऐसा क्या होता है मायके में, नशा सा चढ़ा रहता है कि सोए रहो सोए रहो सोए रहो। बढ़िया मुंह जला दिया यार इतनी मिर्चे, एक तो है ऐसा नहीं यार। वैसे और आके बाहर आ जाएंगे, इतनी स्पाइसी बना दिया ऊपर से ना, वैसे स्पाइसी थी इसने और मैगी मसाला ऊपर से डाल दिया। टेस्ट तो बढ़िया है, जो भी हो टेस्ट बढ़िया है, ये नहीं आता टेस्ट। ये देखो इसकी आंखों में पानी, खा फिर भी रही थी मिर्चे वाली। और इधर से साथ में फ्रूट मम्मी काट रही है इसके लिए, पानी देखियो आंखों में से, आपकी भी आंखें लाल हो गई है। इतनी मिर्चे डलवा गए, सुबह पता चलेगा भाई, क्यों सुबह पता चलेगा टॉयलेट में। क्या हो गया पार्वी? बाद में हो गया, मेरी बात नहीं सुन रहे मम्मी आप। मच्छर खा जाते हैं इसको बहुत सारे। दाना हो गया, देख तो लो हल्का दाना हो गया, फिर आप क्रीम क्रूम लगा दो, ध्यान दो कि दाना हो गया। क्या हो गया? लाइट जल रही है, लाइट जल रही है। हाँ क्या हो गया? दांशी कर लिया, दांशी। दोपहर के 2 बज रहे हैं और पारवी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि ये सो गई थी, सो के उठी है, तो मैंने इसे नहला दिया थोड़ी देर खिलाने के बाद। और जब आज मैं आई हुई हूँ तो अब जब तक मैं रहूंगी तब तक इसे मैं ही नहलाऊंगी। और ये आज मुझे ही चिपकी हुई है, पता नहीं इसको क्या हो गया कि कहीं बुआ चली ना जाए चली ना जाए, कोई भी काम हो बुआ 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 बुआ। बस तुझे यही चाहिए लड्डू, थका देगी तो मुझे अच्छे से। दिखा रही है भैया, छत बैठ जाओ वहां पे, वेरी गुड, समझ तो आ गई इसको, बुआ कह रही है बैठने का, सिट डाउन, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तो पारवी हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बुआ, छत कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है पहले बताओ सबको, घूमी घूमी कहाँ जा रही है, बोलो जल्दी बोलो, मैं लेके नहीं जाऊंगी नहीं तो। गोलगप्पे खाने, बर्गर खाने, पिज्जा खाने। तो मेरे माइक के पीछे बताती है क्या लगाया उन्होंने। इसको सारा दिन लिफ्ट में अप एंड डाउन करना होता बस, है ना, इतनी खुश हो जाती है लिफ्ट में। तो अभी हम आ गए हैं शाम के 7 बजे बाहर, सोसाइटी के बाहर ही बहुत सारी शॉप्स बनी है, रेडियो वगैरह खड़ी होती है, तो यहाँ पर सोचा कि चलो मन्नू को पिज्जा खिला के आते हैं। इसकी मामी बहुत देर से बोल रही थी मन्नू आया तो इसे पिज्जा खिला के लाते हैं, तो यहाँ पर हमने पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन पिज्जा बहुत ही बेकार बना हुआ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बस खा लिया हमने कैसे ना कैसे करके कि पैसे वेस्ट किए हैं तो अब इसे यूज तो करना पड़ेगा, तो बस खाए यही। और ये पारवी बाहर निकल के इतनी खुश हो जाती है ना कि बस पता नहीं कहाँ आ गई, और इसने पिज्जा तो नहीं खाया लेकिन ये हमें देख देख के खुश हो जा रही थी। फिर हमने खाए गोल गप्पे और फिर हम चले अपने घर को वापस। तो अभी हम घर जा रहे थे तो यहाँ पर देखो सोसाइटी के बाहर बहुत ही ज्यादा रौनक होती है, और पारवी को देखो, पारवी ना मैं इसको उठा उठा के थक गई हूँ, ये बार बार मुझे बोल रही है कि उठाओ 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 उठाओ, और बीच बीच में ना रूठ के बैठ गई। ये लड़की चल के राजी नहीं, अभी देखो बैठ गई, इसको उठाया नहीं है तो बैठ गई, तू बैठी रह, मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगी, छोड़ दे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ दे, नहीं उठाऊंगी, आपे आपे आओ, आपे आपे उठो उठो, आपे आपे मैं नहीं आऊंगी, नौटंकी तेरी मैं सब जानती हूँ, चलो उठो, वेरी गुड वेरी गुड, ओ वेरी गुड। तो बाहर से तो हम खा पी कर आए थे, लेकिन जैसे ही मन्नू का मामू आया यानी कि मेरा भाई घर वापस आया, तो ये भी कुछ ना कुछ लेके ही आता है, इसको पता है कि बहन आई हुई है, भतीजा आया हुआ है, भांजा मतलब भांजा आया हुआ है, तो कुछ लेके जाऊं। तो यहाँ पर वो लेके आया है चाउमीन रोल, और रोल बताऊं इतने बड़े बड़े भाई देख के ही हैरान हो गई, इतना बड़ा रोल कौन खाएगा भाई, इतना बड़ा रोल मुझे तो लग नहीं रहा था, क्योंकि पिज्जा भी खा के आई थी, गोलगप्पे खा के आई थी, लेकिन ये बड़े वाला रोल की एक तो बाइट खाई और बस हो गया हमारा आज का डिनर। भाभी के लिए मैंने रोटी बना दी थी और बस, क्योंकि भाभी ने बाहर का खाना नहीं है, बाकी हमने तो खा लिया और हमारा तो फुल हो गया पेट भाई, बहुत टाइट। और यहाँ पारो को देखो, खुद खा रही है, पहले खा रही है अपने टॉयज को खिला रही है और उसके बाद फिर खुद खाती है, इसका ऐसे खेल खेल में खाना होता है। और अब हो गई हमारा पूरा दिन था खत्म, और मुझे इतनी जबरदस्त नींद आ रही है यहाँ पर, इतनी जबरदस्त
लेकिन यहाँ पर नींद ना पूरी नहीं होती है, कभी भी नींद अच्छे से नहीं आती, लेकिन थकावट थकावट सा हो जाता है। अब अपना रिलैक्स तो अपने घर में ही होता है, और यहाँ पर भी मुझे छोड़ ही नहीं देती, वॉशरूम भी नहीं जाने देती है, इतना ज़्यादा मतलब हो रही है कि बस बुआ उठाए, और आज तो रात को ये सो भी मेरे पास रही है कि मैं बुआ के पास ही सोऊंगी। इसके पापा ने लिया तो नहीं जा रही थी, इसकी मम्मा ने लिया तो नहीं जा रही थी, बस मेरे पास आके चिपक के पड़ी है कि मैं बुआ के पास ही सोऊंगी। तो आज का व्लॉग अब यहीं ख़त्म, अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।